हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का मदर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम सभी पढ़ रहे थे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, इसमें बिरसा मुंडा और जी के बारे में हम लोग कर चुके थे कल, और शायद बुद्धू भगत के बारे में भी किया जा चुका था। तो इस कड़ी को सॉरी बिरसा मुंडा और तिलका मांझी के बारे में किया जा चुका था। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सिद्धू कान्हू के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ से थे, इनका जन्म स्थान कहाँ था वगैरह वगैरह, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में जानकारी लेने का एक प्रयास करेंगे हम लोग। तो चलिए आगे इस लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था भगनीडीह करके एक जगह है, जिसे अलग अलग किताब में भोगनाडीह भी लिखा गया है, लेकिन भगनीडीह जो राजमहल वाले एरिया में पड़ता है, राजमहल वाले क्षेत्र में पड़ता है। राजमहल कहाँ है? तो राजमहल साहेबगंज में है। ये चार भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। सिद्धू का जन्म हुआ था 1815 में। कान्हू का जन्म हुआ था 1820 में। चांद का जन्म 1825 में। भैरव का जन्म 1835 में। तो इनके जन्म के तारीखों को भी, ईयर को भी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसको अच्छे से कर लेंगे हम लोग। और फिर इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता का नाम था चुन्नी मांझी। क्या नाम था इनके पिता का? नाम था चुन्नी मांझी। इनके पिता का नाम था चुन्नी मांझी, याद रखेंगे ये सभी। इनके पिता का नाम था चुन्नी मांझी। और आगे बढ़ते हैं इसमें, इनका सिद्धू की पत्नी का नाम था सुमी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुमी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुमी। तो ये चार फैक्ट, पांच फैक्ट हो गए हैं जिनको याद रखना है आप लोगों को। सबसे पहले तो ये किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो संथाल विद्रोह से जुड़ा हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, ये याद रखना है आप सभी को। इनके पिता का नाम क्या था? चुन्नी मांझी इनके पिता का नाम था। इनके जन्म को क्रमशः याद रखेंगे, सिद्धू का जन्म 1815 में, कान्हू का जन्म 1820 में, चांद का जन्म 1825 में, भैरव का जन्म 1835 में। इनकी पत्नी का नाम सुमी था। 1855 में भगनीडीह में ही विद्रोह हुआ था, जो जिसका निर्णय रहा कि इस विद्रोह का जो नारा था वह था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो 1855 में जो यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अलग अलग पुस्तकों में लिखा हुआ है कि सिद्धू के द्वारा यह जो आंदोलन था, संथाल हुल जिसको कहते हैं या फिर संथाल विद्रोह जिसको कहते हैं, ये भगनीडीह गांव में ही 30 जून 1855 ईस्वी के मध्य रात्रि को मांझियों को निमंत्रित किया गया था। आयोजन स्थल पर लगभग 20,000 लोग थे, और इस विशाल जनसभा में सिद्धू ने यह घोषणा किया कि करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इसमें लगभग ये जो आमंत्रित किए थे सिद्धू ने अपने गांव में मांझियों को, तो कितने मांझी आए थे? तो लगभग 20,000 मांझी यहाँ पे आए थे, और सिद्धू के द्वारा नारा दिया गया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। फिर जा करके संथालों के इस बैठक में सिद्धू को राजा, यहाँ लिखा गया है सिद्धू को राजा, मंत्री बनाया कान्हू को, प्रशासक बनाया चांद को, और फिर सेनापति बनाया भैरव को। सेनापति बनाया था भैरव को। सेनापति किसे बनाया गया था? तो भैरव को बनाया गया था। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया हो आप सभी को। आगे देखते हैं फिर, 1855 में भगनीडीह में यह विद्रोह शुरू हुआ। बाद में जब यह विद्रोह आगे व्यापक रूप लेने लगा, तो विद्रोह के दौरान ही सिद्धू कान्हू चांद भैरव को गोली लग जाने के कारण मृत्यु हो जाती है इनकी, और सिद्धू और कान्हू इन दोनों को फांसी दे दिया जाता है। सिद्धू और कान्हू को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया जाता है, याद रखेंगे ये बात। तो इसमें आता है कि सिद्धू और कान्हू को फांसी कहाँ दी गई थी, याद रखना है। सिद्धू और कान्हू को फांसी, तो सिद्धू को बराहित में फांसी दी गई थी, और कान्हू को भोगनाडीह में। कहाँ दी गई थी? सिद्धू को बराहित में और कान्हू को
भोगना डी में फांसी दी गई थी। सिद्धू की जो पत्नी थी, याद रखेंगे ये बात, सिद्धू की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? सुमी। क्या नाम था उनका? सुमी। सिद्धू की कानू की पत्नी, सिद्धू की पत्नी का नाम क्या था? तो सुमी नाम था। और इनकी दो बहनें भी थी जिनका नाम था फूलो और जानू। अगले लेक्चर में हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस नोट्स में नहीं लिखा हुआ है कि इनको फांसी कहाँ दिया गया था, आपको स्क्रीन में कहीं भी नहीं दिखेगा, तो इनको फांसी दिया गया था, याद रखेंगे, सिद्धो को फांसी दिया गया था बराहित में और कान्हो को फांसी दिया गया था भगनीडी में। चांद और भैरव को गोली लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अच्छा, इनकी फांसी किस तारीख को दी गई थी? तो 26 जुलाई 1856 को। कब दी गई थी इनकी फांसी? तो 26 जुलाई 1856 को। मैं यहाँ लिख देता हूँ 26 जुलाई 1856 को फांसी दी गई थी। कब फांसी दी गई थी? 26 जुलाई 1856 को फांसी दी गई थी, याद रखेंगे ये। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, बहुत अच्छा अच्छा लेक्चर मिलेगा आप लोगों को झारखंड और मैथ से। अभी तो पॉलिटी भी स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है, देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, आपको मिलेगा मटेरियल अच्छा।